नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से और रिटायरमेंट लेकर घर बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। ऐसा लगता है कि पिछले चुनाव में जो बहुमत उनको नहीं मिला है उसने उनको इतना निराश कर दिया है, उनके चेहरे पर जो जोश हुआ करता था वो जोश तो चला ही गया है, लेकिन भाषा के स्तर पर वो इतना नीचे गिरते जा रहे हैं, इतना नीचे गिरते जा रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र पर एक कलंक की तरह लगता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के समय धर्म का उपयोग करना, धर्म की बात करना, ये सब गलत कहा गया है। चुनाव आयोग अगर होता इस देश में, अगर चुनाव आयोग के पास जरा भी नियत होती चुनाव साफ सुथरे कराने की, तो इस तरह के भाषण के बाद उनको चुनाव में बोलने पर रोक दिया जाता, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता कि आप अब चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। जब लोकसभा चुनाव के पहले मंगलसूत्र वगैरह की बात उन्होंने की थी तो लगा था ये अति हो गई है, अब इससे आगे वो नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को ना तो नरेंद्र मोदी इस समय लीड कर रहे हैं, ना अमित शाह लीड कर रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा आदमी ऐसा लगता है झारखंड में पूरी भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहा है। पहले उसका घटिया बयान आया, उस घटिया बयान को मैं कतई यहां नहीं दिखाने वाला, कल उस पर बहुत डिटेल में मैंने बात की थी, और उस बयान के बाद कल प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो तो शर्म से डूब मरने वाला बयान है। वो कहते हैं वो आपकी बेटी उठा ले जाएंगे, वो आपकी माटी उठा ले जाएंगे, वो आपकी रोटी उठा ले जाएंगे। ये बात वही आदमी कह सकता है जिसकी अपनी कोई बेटी नहीं है, जिसको अपनी मिट्टी से कोई प्यार नहीं है और जो कभी भी मेहनत करके अपनी रोटी नहीं कमाया है। रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, ये सब प्रधानमंत्री की भाषा होती है। ऐसे होते हैं हमारे प्रधानमंत्री वोट के लिए, ताकि एक ऐसे राज्य में सरकार बन जाए जहां से अडानी को जबरदस्त कोयला खदान, ये सारा कुछ, जंगल सारा कुछ मिल सकता है, उसके लिए प्रधानमंत्री इस लेवल पर जा रहे हैं। अरे चुनाव प्रचार कीजिए, आपका अधिकार है चुनाव का प्रचार करना। कभी गलती से अपनी नीतियां गिना दीजिए आप, कभी गलती से यह बता दीजिए कि आपने क्या किया है झारखंड के भले के लिए। जब से झारखंड बना है आपकी सरकार भी कई बार रही है, रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे हैं, बताइए उनकी सरकारों ने क्या किया, सोचिए आखिर उनकी सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर क्यों किया था। चुनाव है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, बहुत संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की ही झारखंड में सरकार बन जाए, यह भी संभव है कि हेमंत सोरेन फिर से वापस आ जाए, लेकिन चुनाव जीतने के लिए इस लेवल पर जाना, बेटी छीन लेंगे, अरे कौन बेटी छीन रहा है। मेरे पास एक आंकड़ा है महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनका एक आंकड़ा है और मैंने नहीं निकाला है, दैनिक भास्कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मैं फिर आपके सामने अपने भाई को लेकर के एक फिलिस्तीन गाजा पट्टी इसराइल ईरान हिजबुल्ला इन तमाम के जो दरमियान बातचीत चल रही है, जंग चल रही है, इसके ताल्लुक से कुछ खुलासा लेकर के सामने हाजिर हुआ हूं। आप जानते हैं जंग युद्ध दोनों एक ही लफ्ज है लेकिन सुनने में बहुत ज्यादा भयानक से लगते हैं, क्योंकि जिस देश में जंग होती है, जिस देश के अंदर भी लड़ाई होती है, यकीनन उस देश के जो आवाम है उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा कि गाजा के अंदर हो या फिर इसराइल के अंदर हो या फिर ईरान के अंदर हो या उसके हिजबुल्ला के अंदर हो, जब दोनों में इन चारों में आपस में लड़ाई की वजह से एक दूसरे के ऊपर को जो मिसाइलों को छोड़ा जाता है तो उससे जो आवाम मरती है उसे देख करके बहुत दुख होता है। क्यों दुख रही हो, जिस देश से ये लड़ाई होती है उस देश के नागरिक से पूछो कि उन्हें कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप जानते हैं फिलिस्तीन के अंदर सदियां गुजर चुकी, ये जंग खत्म नहीं हो रही है और उसमें काफ़ी इसराइल के लोग भी मारे जाते हैं और फिलिस्तीन के लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन इसराइल जुल्म करता है।
क्योंकि फिलिस्तीन ने ही इसराइल को रहने की जगह दी। ये छोटा सा एक देश था, जब इस पे जुल्म हुआ तो इसे जो रहने के लिए जगह दी, इसे जो अपने घर में रहने को इजाज़त दी, वो सिर्फ एक फिलिस्तीन ही है। लेकिन फिर इसने फिलिस्तीन के अंदर रहते हुए उन पर हमला करना शुरू कर दिया।